बोलेंगे बता देते हैं। जैसा आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और इसकी सारी जो भागीदारी हैं वो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, हमारे राज्य मंत्री अठावले साहब, पीएल वर्मा साहब और हमारे विभाग के सचिव महोदय राजेश अग्रवाल साहब एंड विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजीव शर्मा जी एंड यादव साहब का बहुत बहुत योगदान है, क्योंकि ये एक सिलसिला पर्पल टॉक के थ्रू शुरू हुआ और पिछले साल जितने भी पर्पल टॉक हुए उसमें 120 ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो गवर्नमेंट के अलावा एनजीओ क्षेत्र से आए हैं, जिनकी आइडेंटिफिकेशन हमारे माननीय सेक्रेटरी साहब ने किया और सारे नेशनल इंस्टीट्यूट को ये दायित्व दिया कि आप एनजीओ के साथ मिल के काम कीजिए, क्योंकि अगर उनकी टेक्नोलॉजी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट से अच्छी है तो दिव्यांग जन के फायदे के लिए उनकी टेक्नोलॉजी को हमें इस्तेमाल करना है और देश के हर कोने कोने तक पहुंचाना है। इसी एमओयू के सिलसिले में एनआईडी अपने आप में प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक डिपार्टमेंट में मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जिनके विभागाध्यक्ष डॉक्टर पीके लंका जी हैं। उनके नेतृत्व में पिछले 10-15 साल में एनआईडी ने पीएनडो डिपार्टमेंट में जो भी उपलब्धि हासिल करी और उनके सहयोगी डॉक्टर सक्सेना जी आज हम लोग के बीच हैं और ये डायरेक्शन चूंकि मिनिस्ट्री से मिली है तो हम वचन देते हैं कि एनआईडी डायरेक्टर के रूप में हमारी पूरी इंस्टीट्यूट पीएनडो डिपार्टमेंट और सक्सेना साहब की पूरी टीम मिलकर हम लोग दिव्यांगजन के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितना भी बेहतर हो सकता है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में स्पेशली वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट बिहार और झारखंड में हम लोग ये काम करेंगे। तो धन्यवाद सक्सेना जी, लंका जी और पीएनडो इंटरनेशनल राजकोट नगर दिल्ली की पूरी टीम को थैंक यू। मैं एक शब्द हमारे बहुत एक्सपर्ट लंका जी से बोलूंगा कि वो भी अपने जितना भी कार्य टेक्नोलॉजी आई है हमारे डायरेक्टर साहब उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, उनके समक्ष कुछ बोले प्लीज। ये एक मौका मिला हम लोग को काम बढ़ने के लिए, काम को आगे लेने के लिए। हम लोग जो लैब में काम करते थे, अभी हमारा डायरेक्टर साहब और सक्सेना साहब ये जो एमओयू साइन हुआ इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी को लैब से कमर्शियल लेवल में पेशेंट तक ले सकते, इसका कोई अंत नहीं है। हम लोग इसे रोबोटिक्स मैकेट्रॉनिक्स में पहले काम करते थे, रिसर्च लैब करते थे, पेटेंट बनाते थे, अभी एक मौका मिला भारत सरकार का हमारा केंद्रीय मंत्रालय और सचिव राजेश अग्रवाल जी से जो प्रेरणा मिला, हम लोग अभी डायरेक्टर साहब जो स्पीच दिए उससे हम भी प्रेरित है और इसको आगे बढ़ाएंगे और कैसे हम लोग दिव्यांग भाई बहन के लिए जो भी रिसर्च प्रोडक्ट, जो भी अत्याधुनिक प्रोडक्ट, हाई एंड प्रोडक्ट, उसको उनका यूज के लिए, उनका डेली एक्टिविटी के लिए हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये हम लोग को एएमयू से फायदामंद हुआ। अभी देखते हैं इसको आगे बढ़ा के हम लोग कितने नॉर्थ ईस्ट हो, बिहार ईस्टर्न जोन हो, ऑल ओवर इंडिया हो, हम लोग कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम सीआरई वेबिनार और बच्चे लोग का ट्रेनिंग में ये भी एएमयू का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। यही आशा करते हैं कि आगे का दिन में पोस्टेरियर ऑर्थो डिपार्टमेंट, पोस्टेरियर ऑर्थो डिपार्टमेंट का एक नया चैप्टर खोला है। आज का दिन बहुत शुभ दिन है और हम सबको, आप लोग को सबको आज अभिनंदन देते जो कि हम लोग आप आज से पार्टनर बन गए, हम लोग एक साथ काम करने का एक मौका मिला। धन्यवाद हमारे डायरेक्टर सर को और सचिन जी। मैं अभिनंदन करता हूँ अपने लास्ट के अपने दिव्यांगजन डिपार्टमेंट का, मंत्री जी का। मैं अभिनंदन करता हूँ अपने सेक्रेटरी साहब का, जॉइंट सेक्रेटरी साहब का, और हम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी पहली बार मिली कि हम भारत सरकार के जो इच्छा है उसको जो साकार करने जा रही है, दिव्यांगों को घर घर जाके उनको एक अच्छे उपकरण की उनकी सोच है उसको मैं पूरी चेष्टा से पूरा करूँगा, पूरे लगन के साथ करूँगा, ये मैं शपथ देता हूँ। धन्यवाद।